सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने करहल से किया नामांकन। बिलौर से समाजवादी पार्टी की रचना सिंह ने भी किया नामांकन। उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के संकल्प के साथ समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को करहल विधानसभा सीट से नामांकन कराया। वहीं बिलौर से समाजवादी पार्टी की रचना सिंह ने भी कल नामांकन किया। अपने पैतृक गांव इटावा के सैफई से करहल विधानसभा सीट के लिए नामांकन कराने को मैनपुरी के लिए रवाना होने के लिए अखिलेश यादव जिस विजय रथ से पहुंचे उसके हनुमान मंदिर में पूजा की गई। इसके बाद अखिलेश इस गुलाबी रंग की विजय रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सैफई से करहल के बीच करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर अखिलेश का जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गुलाबी रंग के विजय रथ पर सवार सपा अध्यक्ष हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते रहे और सैकड़ों वाहन के काफिले के बीच सड़कों पर उमड़ी भीड़ के चलते विजय रथ के करीब 1 बजे मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम थे। अखिलेश की विजय रथ पर करहल से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुब्रत सिंह यादव व मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव सवार रहे। विजय रथ को अखिलेश के निजी सचिव गजेंद्र खुद चला रहे थे और उन्होंने सैफई से रवाना होने से पहले विजय रथ के साथ सैफई के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। क्राइम ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश पवन सिंह।